एक लड़की को अप्रोच करने के लिए बेस्ट वे क्या होना चाहिए? अरे भाई क्या करोगे अप्रोच करने के लिए, क्या करोगे? बस हो गया उसका फुस, ये छोड़ कर, मतलब ये घुटने वाला छोड़। मैं नहीं करती थी यही, सबसे पहले मैनेज करती थी हमको। आप भी करते हो? मैं डेली करता हूँ यार। आज हम जानेंगे कि एक लड़की को अप्रोच करने के लिए कौन सा बेस्ट वे होता है, वो क्या तरीका है जिससे लड़की इम्प्रेस भी होती है, हम उससे अप्रोच भी कर सकते हैं। हम मतलब एक लड़का एक लड़की को अप्रोच कर सकता है, वो किस तरह से अप्रोच करेगा, वो बेस्ट वे क्या है, वो हम जानेंगे। क्या बेस्ट वे होता है एक लड़की को अप्रोच करने के लिए, मतलब एक लड़का अगर लड़की को अप्रोच करेगा वो क्या बेस्ट वे है या तरीका है जिससे वो अप्रोच कर सकता है? एक्चुअली लड़के अगर घुटनों में टेक के किसी लड़कियों को बोले तो आई डोंट थिंक सो कि कोई लड़की मना करेगी। फर्स्ट किसी ने मुझे ये आंसर दिया सच में। मतलब इतने सारे तरीके होते हैं लेकिन ये बेस्ट चीज़ किसी के दिमाग में नहीं। हाँ, क्योंकि अगर उसमें पोलाइटनेस भी दिखता है उसमें सच्चाई भी झलकती है कि आप कितना चाहते हो उसे। अगर कोई आपको ऐसे मतलब अप्रोच करेगी, ऑब्वियसली मैं मान जाऊंगी। अप्रोच इन प्रॉपर सेंटेंसेस विथ रोमांटिक वर्ड्स इन इट and be generous, maybe funny way, जैसे कि हंसाना लड़की को। पहले मतलब बहुत अच्छे से बात करना चाहिए, they should talk in a more friendly way and then should say something. First of all, मुझे ऐसा लगता है कि that the guy should be kind, humble and gentle. मतलब approach किससे करें, message और face to face? Face to face. Face to face. आई थिंक स्ट्रेट एंड ऑनेस्ट अप्रोचल इज द बेस्ट वन, फेस टू फेस, नॉट वाई टेक्स्ट और मैसेज, बिकॉज दैट्स अ बिट इनडायरेक्ट। यू जस्ट बी योर सेल्फ, ऑलराइट, जैसे आप हो वैसे ही रहो, अप्रोच करो, बातचीत करो, गेट टू नो ईच अदर, हाँ, उसके बाद घूमो फिरो, फिर इफ शी लाइक्स यू, लाइक्स योर बिहेवियर, योर नेचर, योर पर्सनैलिटी, देन इट्स गोना हैपन। फेस टू फेस, फेस टू फेस, हाँ सेम। कैसे करें वो अप्रोच जिससे कि आप इम्प्रेस हो जाओगे? लाइक फनी थिंग्स, फनी स्टफ्स ज़्यादा, लाइक कुछ भी जोक्स क्रैक करने पड़े जोक्स से आप इम्प्रेस हो जाओगे? नॉट इम्प्रेस, हाँ अच्छा लगे वो अप्रोच आपको कर सकता है। हाँ, इफ़ ही इज़ डेयरिंग देन ही विल डू इन फेस टू फेस, अदरवाइज इन टेक्स्ट। यू नो व्हाट हैपेंस, फेस टू फेस फीलिंग्स अच्छे से शेयर हो पाती है, यू नो, एंड एनर्जी एक दूसरे से एक्सचेंज होती है, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सामने सामने, बिकॉज दैट मेक्स योर कैरेक्टर लुक टोटली लाइक व्हाट यू आर इन फ्रंट ऑफ द पर्सन। प्रेजेंट अ फ्लावर, और फूल से नहीं पटते बच्चू, हम पटा लेंगे। अप्रोच कुछ नहीं था, दोनों तरफ से ही था, तो दोनों ही अप्रोच हो गए। फिर भी कोई कुछ तो मतलब होता है ना, लड़कियों को अच्छा लगता है कि ऐसे अप्रोच करे तो अच्छा होता है। नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। उसको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा? नहीं, तो एक फ्लावर से काम चला रहा है। नहीं, फ्लावर दिया ही नहीं। यार आज ही अभी वहाँ से जाके लेकर दे दो। एक्चुअली सामने जो फील होता है मैसेज में, कहा पुराने ज़माने की थोड़ी सी हूँ, पर आई थिंक उसमें शिद्दत वाला प्यार दिखता है। अड्डा मट्ट मत आज का आउट, बात करना ज्यादा अच्छा लगता है आपको? सामने से आके अगर बहुत पोलाइटली बात करे और तो शायद अप्रोच करे, वैसे पोलाइटली बात करके तो फिर मेबी मैं, बट नॉट विद बॉय एंड गर्ल। बॉय समटाइम्स फील्स लाइक कि बोलूँ कि नहीं बोलूँ, बोलूँ कि नहीं बोलूँ, क्या सोचेगी, लाइक वैसा समथिंग। स्टिल मोस्ट अप्रोचेबल्स आई गेस सामने आमने सामने बात करके, ताकि एनर्जी भी एक दूसरे का एक्सचेंज हो, प्लस फीलिंग्स मैं जो बोल रही हूँ थ्रू मैसेज आई कैन नॉट शेयर कि मैं किस वे से बोल रही हूँ, एंड फेस टू फेस वो वे पता चलता है। मैसेज में हमेशा हम लोग मतलब जो बोलते हैं हमेशा देखते नहीं है ना अपोजिट में क्या फील कर रहे हैं, तो अगर आमने सामने हो तो वी कैन सी देयर एक्सप्रेशन टू, बिकॉज योर आईज टेल इट ऑल। नॉर्मल बात करके भी, जो मन में बात है उसको फेस पर डायरेक्टली ले आई, बस कोई नॉर्मल बात की, कोई मीडियम नहीं चाहिए, कोई फ्लावर वगैरह कुछ भी, जस्ट नॉर्मल। इसके लिए डेट प्लान कर सकते हैं, इसको जहाँ अच्छा लगता हो, बेस्ट खाना,
जो अच्छा लगता है वो उसके लिए कर सकते हैं, मतलब लाइक उसको स्पेशल फील करवाना ना। मैसेज में जो होता है ना उसमें वो सच बोल रहा है कि क्या झूठ बोल रहा है, तो वो फील नहीं आते जितना सामने बोलने में आते हैं, और वो आदमी को भी अच्छे से पहचान सकते हैं कि वो कैसा आदमी है। जैसे वो नॉर्मल बातचीत होते हैं ना, ऐसे हाय हेलो क्या करती है ये सब, जैसे कि केयरिंग करना उसको, केयरिंग करना ऐसे। जिसको थोड़ा लेट बोरिंग लड़का लोग पसंद है, बोरिंग लड़का। और कोई मतलब इशारा और कोई साइन होता है लड़कियों का कि लड़की चाहती है कि उसे एक लड़का ऐसे अप्रोच करे? हाँ ऑब्वियसली उसके वे ऑफ टॉक से, उसके बॉडी लैंग्वेज से पता चल ही जाता है कि लड़का अप्रोच करेगा कि नहीं करेगा। एक लुक ही एक्चुअली काफ़ी होता है समझने के लिए कि उसके दिल में क्या है। एक लुक? हाँ ऑब्वियसली एक लुक। तो वो इशारा मतलब एक लड़की वो इशारा पसंद करती है? हाँ उससे पता चल जाता है कि उसके दिल में क्या है। वैसे भी लड़कियाँ होती है टैलेंटेड ऑफ कोर्स तो लड़कियाँ समझदार होती है, तो वो खुद ही समझ लेती है, अंडरस्टैंडिंग भी होती है। नो आई डोंट थिंक एनीथिंग स्पेशल वुड बी देयर, बिकॉज अगर क्लिक होना है तो एक मोमेंट पे हो जाएगा, और नहीं होना है इट वोंट, इट्स नॉट गोना वर्क। कितना भी ट्राई करो नहीं होगा ना, फिर नहीं होगा। सी द कॉमन ट्रेंड जो मैंने लड़कियों के बारे में देखा है, इवन मेरे अपने बारे में भी मैंने जो देखा है, गर्ल्स टेंड टू रीड सिग्नल्स। हाँ समटाइम्स दे इवन इमेजिन सम सिग्नल्स दैट गाइज आर गिविंग आउट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स गाइज डोंट इवन गिव आउट एनी सिग्नल्स, गर्ल्स जस्ट इमेजिन दोज बेस्ड ऑन हर क्रश। इफ द गर्ल इज इंटरेस्टेड इन यू, वो जरूर करेगी, जरूर करेगी। अगर वो इंटरेस्टेड है, नहीं है तो शी विल बैक ऑफ ना। वो कैसे किया था उन्होंने, आपको कैसे पता लगा कि वो भी आपको चाहने लगी है या लाइक करने लगी ऐसा कुछ? वो अपने फैमिली को बता दी मेरे बारे में बस। पहले ही? पहले नहीं मतलब धीरे धीरे पता चल जाता है लड़कियों के बात से। नहीं आपको लगता है कि लड़कियों का स्पेशल कुछ मतलब स्पेसिफिक कुछ होता है ऐसा करने से वो अप्रोच? हाँ, मतलब वो तो पता चलता ही है, एक सिग्नल मिल जाता है, होता है केयरनेस होता है बात करने का, सब चीज़ से पता चलता है। मतलब लड़कियाँ ऐसे चाहती है? हाँ चाहती तो होगी। आप? नहीं ऐसा कुछ नहीं। असी बेहतर तो आई डोंट थिंक कि वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट है, बट हाँ एक्चुअली ग्रीन सिग्नल तब होता है जब वो कंटिन्यूसली देखता रहे या फिर कोई साइन मतलब इशारा वगैरह ऐसा कुछ होता है। मतलब लड़कियाँ चाहती है कि मुझे ऐसा कोई इशारा वगैरह करे जिससे कि मैं मतलब इम्प्रेस हो जाऊँ, या तो कॉन्स्टेंटली स्टेयरिंग सम एट पॉइंट की देखते रहे देखते रहे देखते रहे। सिग्नल से काम नहीं बनता। किससे बनता है? यू हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट। ऑनेस्ट? Be honest about it. No vacant signals won't work. सुबह उठ के जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगा ना, अगर कोई आपको पूछ मतलब लाइक करता है चाहे करती है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी होगा सुबह उठ के आपका मतलब मैसेज कि जॉर कॉल कॉल कुछ भी, मतलब सुबह उठ के उसके दिमाग में बस आप ही रहोगे यही है। लड़कियाँ चाहती है कि सिग्नल आए, हाँ कि वैसा कोई सिग्नल वो देख दे रहा है, वो मुझे देख रहा है, तो फिर मे बी ही इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड इन मी, मे बी समटाइम्स इट ऑल्सो हैपन्स दैट ही पास्ड मी द पेन नो वन एल्स डिड, दैट मीन्स मे बी ही इज़ इंटरेस्टेड इन मी, ऑल दोज काइंड ऑफ सिग्नल्स, गर्ल्स लाइक सिग्नल्स। सब लड़की चाहती है जो लड़को उसको देखे तो कैसे? तो मेकअप होती है इतना तारीफ करे प्लीज, मेकअप के बारे में कुछ ना बोलना। ओ, आप भी गुस्सा हो गई। नहीं लड़कियों का ये बर्थ राइट है यार, मेकअप के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। नहीं ये इंसल्ट हो गया। हुआ कि नहीं? हाँ हुआ कि नहीं? चलो हुआ कि नहीं? मुझे लगता है एक अच्छा सा एक क्या बोलते हैं उसको, नॉट फ्लर्टिंग या एक अच्छा सा सच्चा स्माइल इज दिस परफेक्ट, स्माइल वर्क करता है। थोड़ा हेल्पिंग नेचर वो सी स्टेयरिंग स्टेयरिंग और एकदम स्टॉकिंग वो स्टेयर करे तो लड़की ऑब्वियसली मन में लड्डू फूटेगा। सो नहीं अप्रोच आई गेस बंदा मुझे अप्रोच करे वैसा कुछ वैसा वाला वो दैट इज टोटली डिफरेंट, बट अगर मुझे वो हम्बल काइंड और वो एक अलग से फेस से समझ में आता है कि वो मोलेस्ट करने के अकॉर्डिंग देख रहा है या फिर वो प्यार से देख रहा है काइंड नेचर के अगेन या फिर ब्यूटी को इन्हेंस कर रहा है, तो वो एक अलग चीज़ होता है, तो वो दोनों देखना अलग है। ज़्यादातर लड़के लड़कियाँ आमने सामने अप्रोच करना पसंद करते हैं, जैसे कि लड़कियाँ चाहती है कि उनको आमने सामने आके अप्रोच करे, और लड़के भी चाहते हैं कि जो हो फेस टू फेस हो ना कि मैसेज के थ्रू। और लड़कियों का स्पेसिफिक कोई साइन नहीं होता कि इस तरह से उनको अप्रोच करना चाहिए, मुझे तो ये पता लगा। आप लोगों को क्या लगता है प्लीज़ कमेंट में बताइए, एंड इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ शेयर and subscribe, hit the red subscribe button below and then press the bell icon to get notified each time we upload a new video, and never miss to say what's up.